नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम खास खबर में। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए आज के मुद्दे की शुरुआत करते हैं। बारिश के बाद डेंगू का प्रकोप लगातार तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश के अधिकतर जिलों में डेंगू के मच्छर का प्रभाव देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से घरों के सर्वे किए जा रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में घरों में मच्छर का लार्वा मिल रहा है। कैथल, फरीदाबाद समेत तमाम जिलों में डेंगू का भय लोगों को परेशान कर रहा है। कैथल में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर 39 हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डेंगू से बचाव के तमाम प्रयास किए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। डेंगू से बचाव के लिए विभाग ने 550 ANM की टीमें लगाई गई हैं। इन टीमों की कुल संख्या 282 है। वहीं शहर में तो नगर परिषद की तरफ से फॉगिंग का कार्य लगातार करवाया जा रहा है, लेकिन ग्रामीणों में सुविधा संतोषजनक नहीं है। ग्रामीणों में फॉगिंग की रफ्तार अभी ढीली पड़ी है। इस स्थिति में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि विभाग आमजन को इससे बचाव के लिए लगातार जागरूक भी कर रहा है। चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। लखनऊ से बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि मंत्री कौशल किशोर से जुड़ी हुई ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर मंत्री कौशल किशोर के घर में हत्या के बाद हड़कंप मच गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री हैं कौशल किशोर, बेटे के दोस्त की केंद्रीय मंत्री के घर में हत्या का ये पूरा मामला, जहां पर गोली मारकर घर में हत्या की गई है। दोस्त का नाम विनय श्रीवास्तव बताया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि केंद्रीय मंत्री के बेटे की पिस्टल से गोली मारी गई है। तो बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से आपके साथ साझा कर रहे हैं। बड़ा मामला, मंत्री कौशल किशोर के घर में हत्या का यह पूरा मामला सामने आ रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री हैं कौशल किशोर, जहां पर केंद्रीय मंत्री के बेटे की पिस्टल से गोली मारी गई है। हत्या की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और साथ ही साथ पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद हैं। ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत का यह पूरा मामला। जी, मामला उसकी गोली मार के हत्या की गई है। वहां पर तीन लोग मौजूद थे, अजय रावत, तमीम बाबा और अंकित वर्मा। और वहाँ पर जो तीन लोग थे, मुझे तो यही लग रहा है कि कुछ उससे झड़प हुई है, झड़प के होते हुए उससे उसकी हत्या की गई। और कैसे उसकी मृत्यु हुई है, इस पर मुझे जब पता चला तो मैंने कमिश्नर साहब को, पुलिस आयुक्त जी को फोन करके मैंने सी बात पता करी। उन्होंने कहा अभी पिछले साहब भेजते हैं उनसे, तो वो आकर के भी आई है, किसी भी दर वो जांच करके ले गए। आज पोस्टमार्टम के लिए नहीं है, जो सच होगा वो निकल करके आएगा। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सैफुद्दीन सिद्दीकी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। जी सैफुद्दीन, जिस तरह से केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के घर में हत्या हुई है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी और अपडेट है आपके पास इस पूरी खबर पर? चलिए हम आपको बता देंगे, ये देर रात की घटना है और आए दिन चारों आदमी सब जिनके उनके भाई ने नाम लिए हैं और उनका कौशल किशोर का जो लड़का है वो जो है उनके साथ नहीं बैठ के किसी तरह से नशा या किसी तरह शराब की सेवन करते थे। पर आए दिन इस तरह के मामले सामने आते थे। कौशल किशोर इस बात का अंदाजा नहीं होता है कि मेरी औलादी कहाँ भटक रही है, कहाँ जा रही है। अभी आए दिन इससे पहले भी जो है, हम चार महीने पहले पिछली की बात करें तो जिन्होंने रोड पे जो है फायरिंग की थी, लाइसेंसी रिवॉल्वर थी उससे भी खुद फायरिंग की थी। फिलहाल जो है जिस तरह से जो है कौशल किशोर
भी बैठे हुए हैं बड़े लेवल पे, उसी तरह से उनकी उनका बेटों के भी नजरिए ये होगा कि मेरे बाप जो है, जब कहा गया कि जो है मेरे बाप ऊपर बैठे हुए हम कुछ भी करेंगे तो कहीं ना कहीं मेरे पर कोई आश नहीं आएगी। हालात ऐसे बिगड़ते नजर आए, उसीलिए बाप ने जो है अपने बेटों पर जो है नजरअंदाज करते रहे छोटी छोटी बातों को लेकर के, और आज इतनी बड़ी घटना हो गई कि उनको शर्मसार होना पड़ रहा है। नजरें नीची है, मीडिया से बात करते टाइम नजरें नीची करे हुए बैठे हुए हैं और मीडिया सही से बात भी नहीं कर पा रहे। और ये भी बहुत एक अभी जब अभी आपने सुना होगा उनका बयान किस तरह का था कि बहुत शर्मसार जो है जो बयान दिया है कि जो है ये जांच के विषय जांच होगी। फिलहाल उनके घर पे है, उनकी लड़की की रिवाजत बरामद हुई है, उनके घर पे जो है लाश बरामद हुई है। ये भी शर्मसार की बात नहीं है, ये कहना यही चाहिए कि जो भी इसकी घटना में शामिल होगा उसको सख्त सजा दी जाएगी, क्योंकि वो सरकारी सीट पर बैठे हुए उनकी जो माँ है वो सरकारी सीट पर बैठी है, जो उनके बाप है वो भी सरकारी सीट पर बैठे, केंद्रीय मंत्री है वो, और ये जो है उत्तर प्रदेश में विधायक है उनकी माँ। बहुत बड़ा सवाल ही निशान उठ रहा है, इस तरह की घटनाएं जो बढ़ती चली जा रही है, कानून व्यवस्था जो है ध्वस्त होती चली जा रही है। राहुल राज ने भी जो है यहाँ के डीसीपी है, उन्हें डीसीपी है, उन्हें भी बात बताई है कि आए दिन इस तरह की घटनाएं की जो है घर से सामने आती थी और जो है उनको कहा भी जाता था, मैं माननीय मंत्री जी से भी बात करता था, कहता भी था कि इस पर थोड़ा ध्यान दी कि आपके लड़के कहीं ना कहीं जो है गलत राह पे जा रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं आगे चल के बहुत बड़ा आपको जो है परेशानी उठानी पड़ सकती है। मगर अभी भी जब उनके सब चेत नहीं पा रहे हैं, उनके बाप जो है ऊपर लेवल बैठे हैं, माँ यहाँ पे गद्दी पे बैठी है, हम कुछ भी करेंगे मगर कुछ हो नहीं सकता है। हम कानून व्यवस्था की बात करें, कानून व्यवस्था की बिगड़ी हुई है कि हमारे ही सरकार के लोग जो है उसको अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी अपनी सरकार के लोगों को पीठ थपथपाते हैं कि मैं जीरो पॉइंट पर काम कर रहा हूँ। अभी आपको 3-4 दिन पहले की बात होगी कि हुसैनाबाद में जो है एक महिला की जो है लाश मिली है, बेचारी तड़प तड़प के जो है उसकी मौत हो गई है। इस तरह की घटनाएं जो बढ़ती चली जा रही, कानून को सोचना चाहिए, सरकार को भी सोचना चाहिए, इसको जो है कहीं ना कहीं चेतना चाहिए, जो सरकार को टैग होना चाहिए कि ऐसी घटनाओं पर जो है रोक लगाई जाए। जी ठीक है सैफुद्दीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो आज के मुद्दे की ओर बढ़ते हैं। जिस तरह से लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं और प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही है, लार्वा की जांच की जा रही है घरों में, तो जैसे कि हर बार बारिश के कुछ टाइम बाद से डेंगू के मामले बढ़ने लग जाते हैं, तो लोगों से यही आग्रह है कि कहीं पे भी अगर पानी खड़ा है तो उसको निकालें, वहां से खड़ा ना होने दें और अपने आप को कवर करके रखें, क्योंकि मच्छर कहीं से भी आ जाते हैं और अगर वो एक बार ही अगर ग्रसित हो गए तो उसमें जो प्लेटलेट हैं काफी कम हो जाते हैं और दिक्कत भी काफी आ जाती है। तो इससे बचने के लिए सारे उपाय अपने करें और घर के अंदर चाहे मच्छरदानी लगानी हो, चाहे मॉस्किटो रिपेलेंट लगाने हो तो वो भी लगाएं, परंतु सबसे जो महत्वपूर्ण काम है वो पानी का देखें, कहीं पे अगर स्टैग्नेटेड पानी है तो उसको जरूर खाली करें वहां से। कैथल में लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं, बता दूं कि कल देर शाम 3 डेंगू के मामले सामने आए हैं, उसके साथ साथ 39 टोटल डेंगू के मामलों की संख्या कैथल में पहुंच चुकी है। मैं मौजूद हूँ कैथल के अंदर, जो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो लगातार डेंगू का जो प्रकोप है कैथल के अंदर लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार जो सीएमओ की बात करें उसके द्वारा एक जांच टीम भी गठित की गई है, लगभग 550 एएनएम की बात करें या वर्कर की बात करें उस टीम में शामिल किए गए हैं, ताकि जो लार्वा लगातार फैलता हुआ नजर आ रहा है उसको रोका जाए। इसी को लेकर आज सीएमओ द्वारा आज एक मीटिंग लेनी निश्चित की गई है और उन अधिकारियों को और जो एएनएम है उनको बुलाया गया है, और लगभग बता दें कि 12 लाख से भी ज्यादा घरों मकानों की जांच की गई है, जिनमें से 1420 जो लार्वा है कैथल जिले में पाया गया है, और उसको लेकर उस लार्वे को तुरंत प्रभाव से नष्ट भी किया गया है। तो सीएमओ द्वारा भी ये कहना है कि जो लगातार जो एक दिन का खड़ा जो पानी है, बात करें कूलर की या कूड़ा करकेट है, तो उसको तुरंत प्रभाव से नष्ट कर देना चाहिए, ताकि जो बात करें लगातार जो डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं ताकि उसको रोक सके। कैथल कैमरामैन उमेश के साथ मनोज मलिक, हर खबर हरियाणा। तो बारिश के बाद डेंगू का प्रकोप लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है, प्रदेश के अलग अलग जिलों में डेंगू का प्रभाव देखने को मिल रहा है, और इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी लगातार सक्रियता बरतते हुए कदम उठाए जा रहे हैं, घरों में सर्वे किया जा रहा है और जिसमें बड़ी संख्या में मच्छर के लार्वे मिल रहे हैं। कैथल फरीदाबाद समेत तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर डेंगू का प्रकोप ज्यादा देखने को मिल रहा है।
डेंगू की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फरीदाबाद से मोनू पांचवाला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पलवल से प्रवीण आहूजा और कैथल से मनोज मलिक। सबसे पहले प्रवीण आपका रुख करना चाहूंगी। प्रवीण, जिस तरह से लगातार देखिए डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं, सबसे पहले अगर मैं पलवल के हालातों की बात करूं तो क्या कुछ स्थिति अभी बन रही है पलवल में? जी दीदी, मैं बता देना चाहता हूं कि पलवल में इस समय मैं भी नागरिक अस्पताल में बैठा हूं। यहां के जो मलेरिया विभाग के जो है डॉक्टर आर्य, वो मेरे साथ बैठे रहे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे हाल फिलहाल की डेंगू की स्थिति क्या है और क्या इससे किस तरह से रोक लगाया जा रही है, क्या क्या विभाग की ओर से कुछ कदम उठाया गया ताकि जनता को इस बढ़ती डेंगू की बीमारी से तमाम लोगों को बचाया नहीं जा सके। मैं इस समय पलवल के नागरिक अस्पताल में हूं। मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि यहां की स्थिति फिलहाल तो जो है कि वो अभी अंडर कंट्रोल है, ऐसा बड़े मरीज आ रहे हैं जिसको लेके बताया जा सके कि डेंगू के मरीज आ रहे हैं। अस्पताल की ओर से एक वार्ड बनाया हुआ है जिसमें 10 बेड लगाए हुए हैं और उसमें इस तरह के डेंगू से जुड़े हुए कोई भी मरीज आता है उसका इलाज उसको भर्ती करके उसका इलाज किया जाता है और तमाम उसकी जो दवाइयां हैं सहूलियत वो भी दी जाती है, जिसके इस मलेरिया विभाग के जो हेड है डॉक्टर आर्य जी मेरे साथ है, एक बार उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। डॉक्टर, इसमें ये बताइए कि इस डेंगू की स्थिति क्या है और क्या ऐसा कर रहे हैं? जैसा कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जिला पलवल में बहुत कंट्रोल है, हमारे पास अभी लास्ट 2-3 दिन की रिपोर्ट में एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया। 3 दिन पहले जो केस पॉजिटिव थे उसमें एक रैपिड एक्शन टीम जो नू में लगाई गई थी जो घटना हुई थी उसके दौरान, तो वहां का एक कर्मी जो है था, लेकिन कल वो डिस्चार्ज कर दिया गया, स्टेबल है, कोई नहीं है। एक्टिव में अभी तक कोई ऐसा कुछ स्थिति है नहीं जिससे कि कोई खतरा हो। और मैं आपको साथ में यही बताना चाहता हूँ कि हमारी जो टीम है 20 ब्रीडर चेकर हमने रखे हुए अर्बन एरिया के लिए और MPHW है हमारे पास सक्षम है जो डेली सुबह मॉर्निंग में अपना निकलते हैं फील्ड में और हर जगह वो है डोर टू डोर हम चेक करते हैं, कहीं कूलर में पानी वगैरह गमलों में पानी या कहीं कोई खाली टूटा हुआ बर्तन या कोई मिट्टी का बर्तन है उस सब में वो ब्रीडिंग चेकर वो करते हैं, सब फॉलो करते हैं, टेस्ट किए जाते हैं, डेंगू से कैसे बचाव किया जा सकता है, जल जनित बीमारी और भी है मलेरिया चिकनगुनिया वो भी हम साथ साथ टेस्ट कर रहे हैं। तो अभी तक ऐसा कोई स्थिति कंट्रोल में कुछ बनाने जिससे कि कोई डर डेंगू के मरीज की पुष्टि हो जाती है तो सबसे पहले क्या कदम उठाया जाता है उसी बचाव के लिए? सबसे पहले अगर डेंगू की पुष्टि हो जाती है तो हम पहले NS1 करते हैं, उसके बाद हम उसका जो है LI टेस्ट करते हैं, अगर उसमें पुष्टि हो जाती है तो हम उसको अपने वार्ड है हमारे पास उधर एडमिट की सलाह देते हैं, अगर स्टेबल है मरीज है तो उसके वाइटल चेकअप करवाते हैं और अगर उनको बाई चांस अभी तक तो जरूरत पड़ी नहीं है, अगर बाई चांस अगर प्लेटलेट की जरूरत पड़ती है तो वो भी जो है हमारे लिंक जो है ब्लड बैंक के साथ वो दिया जाए। इसे मैं बात कर लेते हैं डेंगू के मरीजों की, तो क्या मांग है जिले में, कितने हैं, क्या संख्या है डेंगू के मरीजों की? सब अभी तक जैसा कि 1 जून से 8 तारीख तक 1 सितंबर तक कुल हमारे 12 मरीज जो है हमारे पॉजिटिव आ गए, जो कि 12 से 12 पूरे रिकवर हो गए, उसमें से एक लड़की जो है कोचिंग पढ़ती थी सीकर में वहां से आई थी 3 दिन पहले वो पॉजिटिव थी और जैसा कि मैंने बताया एक रैपिड एक्शन करना वो पॉजिटिव थी तो वो दोनों स्टेबल में उनका कल ही हम दो एक्टिविटी करके आए हैं, सौ भी करा के आए हैं पर जिससे कि और भी किसी को जो है ये बीमारी ना पड़े। डॉक्टर, बचाव के लिए आपकी ओर से विभाग की ओर से क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है हम घरों में या मरीजों के लिए क्या क्या सुविधा दी जा रही है? जैसा कि जांच पूरी फ्री है मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया के लिए जांच पूरी सरकार की तरफ से फ्री है, अगर उस जांच के बाद भी अगर मरीज की कोई स्थिति कुछ सुधार नहीं होता है तो उसको एडमिशन कराया जाता है, एडमिशन के बाद फॉलो अप चेकअप कराए जाते हैं प्लेटलेट वगैरह जैसा कि डेंगू में कम होने की वजह से स्थिति खराब हो सकती है, तो प्लेटलेट कम होने की भी स्थिति में यहाँ पर जो है सिंगल डोजर प्लेटलेट की स्कीम है जिसके अंतर्गत उसको जो है 11,000 की मौत होती है वो हम मुफ्त प्रोवाइड कराते हैं। आप कर लेते हैं ऐसी स्थिति में ब्लड की जरूरत होती है, क्या ब्लड इस नागरिक अस्पताल में अवेलेबल है आपके पास? लौटूंगी मोनू आपका रुक करना चाहूंगी, क्या कुछ हालात अभी फरीदाबाद में देखने को मिल रहे हैं?
देखिए फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद के मामले को लेकर के जिस तरीके से अब बात की जाए तो अब जो हर रोज जो है 2 से 3 जो है मामले डेंगू के वो सामने आते जा रहे थे, लेकिन बीते कल की बात की जाए तो 6 मामले सामने नजर आए। तो इसको लेकर के फरीदाबाद के डेंगू के मरीजों की बात की जाए तो अभी तक जो है 33 मामले वो सामने आए हैं। इसको लेकर के कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे, तो कहीं ना कहीं जो विभाग है यानी कि जो डीसी के अधिकारी की बात की जाए फरीदाबाद के जो विक्रम सिंह यादव है डीसी फरीदाबाद के, उन्होंने जो है यहाँ पर जो है संदेश देते हुए और सभी आला अधिकारियों को एक एडवाइस यहाँ पर देते हुए कहा कि जिस तरीके से लगातार जो डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं धरातल पर जिस तरीके से जो पार्कों की बात की जाए, नालों की बात की जाए या शहर में जगह जगह जो कूड़े पड़े रहते हैं उनको लेकर के यहाँ पर सख्त जो है आदेश देते हुए कहा कि किसी तरीके की शहर में गंदगी ना हो, नालों को लेकर के उस पर दवाई छिड़की जाए और जो पार्क है उनको लेकर के यहाँ पर साफ सफाई की जाए। तो इसको लेकर के यहाँ पर जो सख्त जो है निर्देश दिए गए और उसके साथ साथ फरीदाबाद के जो डीसी है विक्रम सिंह यादव, उन्होंने कहा कि पूरे कपड़े पहनकर ही बाहर निकले, पूरे कपड़े पहनकर रहे ताकि जो डेंगू जो का जो प्रकोप है वो किसी तरीके का कोई असर जो है इंसान पे ना हो पाए। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं लगातार जो फरीदाबाद के जो डीसी है विक्रम सिंह यादव वो भी लगातार एडवाइस यहाँ पर देते हुए आज नजर आ रहे हैं। उसके साथ साथ नगर निगम की बात की जाए तो नगर निगम भी अब धरातल पर जो है काम करता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो पार्क हो, नाले हो, चाहे वो नालियां हो, चाहे वो घरों के आसपास इलाके हो। उसके साथ साथ मैं बता दूंगी इश्तेहार भी लगाना और साथ साथ जो नगर निगम के जो कर्मचारी है वो लोगों को यहाँ पर जो है जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी तरीके की जिस तरीके से बारिश हुई और बारिश का पानी छतों पर टायरों में गमलों में किस तरीके से जो भरा रह जाता है तो उसको लेकर के यहाँ पर एक जो है संदेश जो है दिया जा रहा है, यहाँ पर जागरूक इनको किया जा रहा है कि किसी तरीके का जो पानी है इकट्ठा वो यहाँ पर ना होने दे, मच्छर पनप रहे हैं लगातार। तो उसको लेकर के यहाँ पर एडवाइजरी नगर निगम की तरफ से खासकर जो फरीदाबाद के जो डीसी है विक्रम सिंह यादव, उन्होंने यहाँ पर एडवाइजरी देते हुए सभी को सचेत करने की बात यहाँ पर कही है। और साथ ही साथ नगर निगम जो हॉस्पिटल की बात की जाए तो हॉस्पिटल मनोज आपके पास आना चाहूंगी, आपसे समझना चाहूंगी क्या कुछ स्थिति है इस वक्त कैथल में। बिल्कुल देखिए बात करें कैथल को लगातार तो मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं, बात शुरू को कल देर शाम की बात तीन मामले की 12 बिंदु के सामने आए। बात करें तो जो मकान मालिक की लापरवाही के कारण और जो नगर की सजाए सबसे ज्यादा लापरवाही नगर के सामने आ रही थी। लगातार क्या बात करें कूड़े के ढेर जहां लगे हुए हैं, जहां नाले की सफाई नहीं है, उसको लेकर जो मच्छर ये पनप रहे हैं और लगातार जो मामले वो बढ़ रहे हैं। इसी को लेकर बात करें तो इसमें लगातार जो मामले थे वो बढ़ रहे हैं और लगभग 11 लाख जो मकान है उनका सर्वे किया गया है और सर्वे के दौरान 1500 कुछ जो लार्वा है वो पाया गया है, जिसको लेकर सीएमओ द्वारा जहां भी सफाई ना हो उस इलाके की ज्यादा सफाई की लगभग बता दें इसके अंदर 550 टीमें लगी हुई है, जिसमें बात करें की बात करें तो वो समझाकर जो सर्वे वो कर रही है, जहाँ भी लार्वा का मैसेज आ रहा है वहाँ पर मौके पर सीएमओ द्वारा उस टीम को भेजा जा रहा है और उसके सैंपल लेकर उसको तुरंत प्रभाव से नष्ट करने का भी काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल ठीक है, प्रवीण आपका रुख करना चाहूंगी, प्रवीण आपसे समझना चाहूंगी। देखिए डॉक्टर साहब के साथ आप मौजूद हैं, उनसे सवाल पूछिए कि जागरूकता ना होने की वजह से लोग घरेलू नुस्खों पर ज्यादा निर्भर रहते हैं और डेंगू क्योंकि भयावह बीमारी भी बन सकती है जिसका नतीजा बहुत ज्यादा हमें दुखद हो सकता है, ऐसे में क्या घरेलू उपचार से सिर्फ डेंगू ठीक हो सकता है, ये सवाल पूछिए। डॉक्टर एक अहम सवाल है, इस स्थिति को जब बता रहे हैं डेंगू की काफी विकराल है और सबसे बड़ी बात है कि क्या घर से जो अक्सर लोग देसी इलाज कर लेते हैं तो घर के जो नुस्खे होते हैं उनको ज्यादा प्राथमिकता दे, क्या उससे बचाव है या सीधा अस्पताल में मरीज को लाए गए। सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि मरीज को सबसे पहले ये एश्योर करते हैं कि पैदी ना हो, मानसिक जो है घबराए ना, उसकी उससे क्या होता है उसकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, इसीलिए हम सबसे पहले उसको संतोष करते हैं कि आप घबराए नहीं, बाहर आपकी कोई तरह साथ है, सारी स्थिति आपके साथ खड़े हैं 24 घंटे, और हम ये कहते हैं अपनी डाइट और जो है लिक्विड है मैक्सिमम में जिससे कि इम्यूनिटी बनी रहे और प्लेटलेट की जनरेशन बनती रहे,
जैसा कि पहले ही सुनने में आया है पपीते के बीज और बकरी के दूध से, उन लोगों का वो है अपना ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट है, उसको हम रोकते नहीं है, लेकिन साथ में हम उनको जो है अपने विभाग के डॉक्टरों की सलाह के साथ भी हम चाहते हैं उनको कहते हैं कि आप हमेशा जो है हमारे संपर्क में बने रहें और साथ में उनको इलाज देते रहें। जैसे मरीज के ऐसी स्थिति होती है तो मरीज के जो इलाज करा तो सबसे पहले से नियम क्या होता है? सबसे पहला नियम ये होता है कि मरीज जो है ना कहीं भी घूमे नहीं, रेस्ट करें, क्योंकि अगर वो डेंगू संक्रमित मरीज को खाएगा कोई मच्छर, वही मच्छर ही सोर्स होता है क्योंकि फैलाता है समाज में, जैसे और बीमारी थी कोरोना की खांस में से अच्छी फैलती थी, तो इसका मेन कारण है मच्छर। मच्छर एक डेंगू संक्रमित मरीज को काटेगा तो वो फिर उनके जाएगा दूसरी जगह और वो जो है उसको भी काटेगा, तो उससे जो है संक्रमण फैल सकता है। तो हम सबसे पहले उस मरीज को ये सलाह देते हैं वो घर में रहे और हो सके तो मच्छरदानी का उपयोग करें, जिससे कि जाने अनजाने भी मच्छर उसके संपर्क में नहीं आए। सेम हम उन लोगों को भी सलाह देते हैं, उनके घर लोगों को बोलते हैं आप भी जो है मच्छरदानी का उपयोग करें, और कहीं अपने कूलर को संडे को हमने यहाँ पर मुहिम चलाई है, संडे को ड्राई डे के रूप में मनाया जाता है पूरे डिस्ट्रिक्ट पलवल में, और हम घर घर जाकर ये संदेश जो है मरीज को और मरीज के परिवारों को और आसपास के लोगों को ये देते हैं, और कहीं पर अगर पानी का ठहराव है तो हम उसका सोर्स जो है या तो उसमें काला तेल डालते हैं, और हो सके वो पानी का कारण जो है नगर निगम के माध्यम से हम उसको निपटान करते हैं। जी दीपिका, इनका कहना है कि जागरूकता अभियान के साथ साथ खुद को बचाव करना भी जरूरी है, घर के आसपास गंदगी ना रहे, सबसे बढ़िया तो आपको खुद को स्वच्छ भी रखना होगा, और तमाम ये सारी जानकारी डॉक्टर दी जा रही। जी ठीक है मोनू, आपसे समझना चाहूंगी जिस तरह से अभी आप जिक्र कर रहे थे, क्या लोग जिस तरह से सतर्कता बरतने की बात की जा रही है, क्या लोग जागरूक हैं या लापरवाही बरत रहे हैं? शॉर्ट में जवाब दीजिएगा। देखिए जिस तरीके से बात की जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो मामले फरीदाबाद में लगातार बढ़ते गए, तो कहीं ना कहीं ये जो है विभाग से लेकर के कहीं ना कहीं जो आम जनता है उनकी यहाँ पर लापरवाही जरूर देखी गई है, क्योंकि जिस तरीके से मामले की बात की जाए तो दो से तीन मामले जो लगातार सामने आते जा रहे थे, लेकिन बीते दिन की बात की जाए तो जिस तरीके से छह मामले सामने आए हैं, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों में महकमों में जो है हड़कंप जरूर मच गया कि जिस तरीके से अभी तक जो पांच छह दिन के अंदर बात की जाए तो एक हफ्ते के अंदर 35 मामले सामने आए हैं, तो कहीं ना कहीं जो मामले हैं वो जनता की कहीं ना कहीं लापरवाही के चलते ये मामले सामने नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोग अपने कूलरों को, कूलरों की बात की जाए, गमलों की बात की जाए, टायर की बात की जाए, जो पानी भरा रहता है उन पर विशेष तौर लोग जो है ध्यान नहीं देते, और वहाँ पर किसी तरीके की जो दवाई है वो डालने का काम यहाँ पर नहीं किया जाता। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो प्रदेश में लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं और स्थिति चिंताजनक बनती जा रही है, क्योंकि लोग सतर्कता नहीं बरत रहे हैं, लापरवाही के कारण खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तत्पर नजर आ रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने के लिए लोगों को बार बार चेतावनी दी जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।